I saw a dream, dust of sadness scattered on the pavement of forehead, some specks lying as well on the unconscious eyelids. They await a problem, a mild burden to bear. I wake up tired and realize the smiles of humility are difficult to manage. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनेशिया रेडियो. मैं हूं आरजे मीनाक्षी आपके साथ आज दिल शायराना में. हर बार की तरह आज मैं आपके सामने रूबरू करा रही हूं एक ऐसे नायाब शायर को जो कि अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, जिनका टॉकिंग फिल्म्स इज नंबर वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी चैट शो. ही इज ऑल्सो अ वाइडली पब्लिश्ड पोएट. इनकी डेब्यू पोएट्री कलेक्शन अभी रिसेंटली कविशाला ने पब्लिश की है. जनाब फरीदून शहरयार साहब, ऑन बिहाफ ऑफ 104.9 FM फनेशिया रेडियो मैं आपका खैर मकदम करती हूँ. ये हमारे लिए फखर की बात है कि आप जैसे नामवर शायर जर्नलिस्ट आज हमारे सुनने और देखने वालों से मुखातिब हैं. आदाब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. कमाल का आपका इंट्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी. सर आपकी मॉर्निंग कैसे जा रही है पहले ये बताया. आपको मैंने आज सुबह सुबह उठा दिया है. आपसे मतलब 7:30 इज अ बिट ऑब्वियसली, सो आई हैड टू वेक अप अर्ली, सो इट्स फाइन. बट जिस तरीके की आपने तैयारी करी है इंटरव्यू के लिए, दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग, बिकॉज मेरे पहले भी काफी इंटरव्यूज होते रहते हैं, लेकिन जिस लेवल की आपने तैयारी करी है, एफर्ट करा है, दैट इज आई थिंक रियली कमेंडेबल. जी हाँ सर, और वैसे भी आज मेरा आपके साथ रूबरू हूँ, और तमाम सुनने वालों को मैं इतना बताना चाहूंगी जो हमें 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे सुन रहे हैं, आप हमें साथ साथ देख भी सकते हैं. कहाँ पर? सिंपली जाकर के अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर बिग फैन ऐप टीवी का बटन दबाइए, क्लिक कीजिए और आपको दिख जाएंगे कि आज एक खूबसूरत शख्सियत ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारे साथ मौजूद है. सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि फरीदून साहब की बुक का जो फॉरवर्ड है, जो अभी रिसेंटली उन्होंने बुक लॉन्च की है डस्ट ऑफ सैडनेस, उसका फॉरवर्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस और ह्यूमैनिटेरियन दिया मिर्जा साहिबा ने लिखा है, और साथ साथ बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज और मुसन्नफी हो गए और ऑथर्स ने भी इस किताब के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक दिया है. इनफैक्ट सोनू निगम साहब ने आपकी बुक भी लॉन्च की है सर, सो उसके लिए आपको हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक दैट इज वेरी काइंड ऑफ हिम to have done so, he was wonderful enough to have read the book, aur unhone jis tarike ka, because you know Sonu sir ka kya hai ki that Sonu sir is someone who's extremely honest. Ji. Wo unko jo sahi lagta hai wahi kehte hain aur wahi karte hain, and agar unko appeal kara kitab ne, to I think that's something which was a huge honor for me. Dia wrote the foreword for that, so I've known of her for a very long time now, and she's an extremely kind person, and it was an honor that she has written the foreword, and she wrote a wonderful foreword as well. I think khush nasibati hai meri, main to yahi kehta hu सर, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, और माशाल्लाह आप इतने अच्छे इंटरव्यूज करते हैं, और आप ही के इंटरव्यूज देख करके हमको इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. कभी कभी जब हम लोग बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे होते हैं यहाँ यूएसए में बैठ के, तो हमें कुछ पता नहीं होता है, बट ऑनेस्टली जब मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ तो मुझे लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो मुझे ज़रूर पता चलता है, और काफ़ी अर्से से मैं आपको फॉलो भी कर रही हूँ. जी सर, सो आपकी बुक का उनवान है डस्ट ऑफ सैडनेस. सर ये बताएं कि आपने ये नाम क्यों चुना? तो जैसे आपने देखा होगा कि इसमें जो पहली जो इसमें जो कविता है वो उसका नाम डस्ट ऑफ सैडनेस है. जी. तो ये कविता का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं कि ये मैं 18 या 19 साल का था जब मैंने ये लिखी है कविता, और मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बिकॉज बट इट वॉज 18 और 19. एंड तो जब मैंने ये लिखी थी, तो लिखने के बाद एक क्या होता है कि आपको एक फीलिंग हो जाती है कि कोई चीज़ यार दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट. और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को लेकर सेल्फ क्रिटिकल हो. कोई और किस तरीके से जज करता है वो एक अलग ही बात है, लेकिन आपको खुद को क्रिटिकल होना चाहिए. सो व्हेनेवर आई रेड
इवन आफ्टर 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 हैविंग रिटन इट, फिर ये पब्लिश हुई काफ़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट जर्नल्स में पब्लिश हुई, इंडियन लिटरेचर करके एक साहित्य अकेडमी का एक जर्नल आता था क्वार्टरली, उसमें पब्लिश हुई, विच वाज अ गुड थिंग. सो आई कुड सेंस दैट इट्स समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट. एंड इवन जब मैंने अब इसको फाइनली किताब की फॉर्म में पब्लिश कराने का सोचा, तो जब दिस इज वन पोएम जो कि मुझे याद है पूरे तरीके से जी, मुझे एक्चुअली अपनी चीजें याद नहीं रहती हैं, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट रिमेम्बर इजली. सर्टन चीजें याद रहती हैं, सर्टन चीजें याद नहीं रहती, बट ये लेकिन मुझे पूरी याद रहती है. तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खासियत थी, और इसमें है आई फील कि दैट देयर इज द इमेजरी के लेवल पे कुछ अलग चीज है. So I thought that मैं इसका टाइटल मैं Dust of Sadness ही रखूंगा. जी, और सर इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है. जैसे जैसे हमारी बातों का सिलसिला बढ़ेगा, मैं ज़रूर आपसे वो सवाल करना चाहूंगी. लेकिन खैर, शायद एक सवाल आपसे अनगिनत बार पूछा गया हो, लेकिन सबकी तरह हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने लिखने की शुरुआत कब से की. कहीं जॉन एलिया साहब की तरह आपने कभी अपना पहला शेर बचपन में लिखा, या आपकी कहानी कुछ और है? नहीं, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने बचपन में, मतलब सिंस माय मेरे वालिद शायर थे, बहुत बहुत कमाल के शायर थे. मेरी वालदा लिखती थी हमेशा, अभी भी लिख रही हैं, एंड वो अंग्रेजी में थी जी. तो मैंने शुरू में मैंने हिंदुस्तानी में मैंने लिखना शुरू किया था. फिर मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका नाम है रफत अली, वो भी इनफैक्ट अमेरिका में ही है, यूएस में जी, वेरी वेल इन यूएस है. तो he was writing poems in English जी. तो he used to show me his poems, and जब मैंने उसकी poems देखी, तो फिर मुझे inspiration हुआ कि ये he's writing nicely, मुझे भी मतलब I should also attempt as well. So that is where I got that in a way that inspiration that I should write in English in a way as well. जी. फिर मेरी mother English की professor थी, तो वो भी एक factor था. तो वो दो तीन कुछ मिले जुले फैक्टर्स थे. फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स से मैंने बीए किया, तो पढ़ रहा था, तो वो भी अंग्रेजी की सारी वो सब था. तो वो एक फैक्टर था कि दैट कुछ मिली जुली चीजें थी जिसकी वजह से मैंने शायरी मैंने शुरू करी. सर कारवा चलता रह गया, थोड़ा सा शुरुआत की, थोड़ी सी आपको आसपास के एनवायरनमेंट में पुश मिला, और थोड़ा सा आपका ज़मीर भी बोला कि आपको लिखना चाहिए. क्योंकि मैं सर आपको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही हूँ, और जब मैंने आपकी पहली किताब का कवर पेज, आपने फर्स्ट टाइम अपना कवर पेज लॉन्च किया था, और जब मैंने उनका नाम देखा तो मैं एकदम चौंक गई. आई मीन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ना सिर्फ आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, बल्कि आपका ताल्लुक भी उर्दू अदब के मशहूर घराने से है. इनफैक्ट आपके वालिद साहब, जैसे कि आपने बताया, मशहूर शायर शहरयार साहब, उन्होंने मूवीज के गाने लिखे हैं उमराव जान के और गमन के. तो मेरे लिए वो एकदम से एक्सेप्ट करना कि आपने डस्ट ऑफ सैडनेस और जो उन्वान रखा वो इंग्लिश में लिखा, मैं जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी. और क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ उर्दू में लिखेंगे, कुछ आप देवनागरी में लिखेंगे, कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, बट इमीडिएटली जैसे मैंने वो देखा आपका लॉन्च कवर, एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड अमेज कि आज सर ने ये नया करिश्मा क्या कर दिखाया है. सर देखिए मैं आपको उसके पीछे की भी मैं आपको बताऊँ जी. क्या था कि अब जब आपके फादर आपके इतने कमाल के शायर हों और मशहूर शायर हों जी, तो एक वो बहुत बार क्या होता है कि जो दुनिया है वो थोड़ा सा हार्श हो जाती है जी. अब जाके इस उम्र में जाके हम मतलब, और माशाल्लाह से काफी कुछ हद तक अचीव करने की कोशिश भी करी है, कामयाबी भी मिली है जी. तो उसमें एक आपका कॉन्फिडेंस आपका अलग तरीके से हो जाता है. लेकिन जब आप व्हेन यू आर अ टीनेजर फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होता है कि दैट एक वो फैक्टर होता है कि दैट इट विल बी सेड कि शायद फादर ने लिख दिया होगा जी, यू नो, जैसे प्रमोट करने के लिए फादर ने लिख दिया होगा या फिर जो भी. तो वो भी एक फैक्टर था कि दैट आई थॉट दैट आई विल राइट इन इंग्लिश, ताकि उस तरीके से एक देयर शुड नॉट बी एनी कंपैरिजन. अरे देखिए, कंपैरिजन तो दुनिया हमेशा करेगी, वो तो एक 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 आदत होती है. एब्सोल्युटली, तो वो भी एक फैक्टर था कि दैट आई स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, और फिर मुझे इंटरेस्ट भी था, मुझे इंग्लिश पोएट्री में भी मुझे इंटरेस्ट था. एंड देयर केम अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ग्रेजुएशन में मैं कर रहा था अंग्रेजी में, तो मैंने आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश.
तो ये एक मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि दैट मेरे मेरे भी क्या होता है कि हमारे जहन में जो थॉट्स आते हैं वो आपको नेचुरली आपकी जो जो आपकी मादरी जुबान है जैसे आपने कहा उसमें ही आपके आएंगे. यू यू थिंक इन इन द लैंग्वेज दैट यू आर बॉर्न विद. सर सपने भी आप उसी में देखते हैं. सपने में आई एम नॉट टू श्योर कि इतना बोलना चलना होता बट लेकिन यह है कि देन आई स्टार्टेड जो भी मेरे जहन में थॉट्स आते थे आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग देम इन इंग्लिश और जो भी वोकैबुलरी मैं सीख रहा था बिकॉज उस टाइम पे मैंने बहुत डिक्शनरी मेरे पास हमेशा रहती थी और ईडीएम्स की किताब रहती थी तो आई वाज फिर जो भी मैं पढ़ रहा था तो उसमें जो भी एक्सप्रेशंस आते थे तो आई यूज्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. सो वो एक फैक्टर डेफिनेटली था कि दैट बिकॉज बहुत जरूरी ये था कि वो ऐसा नहीं लगे कि बनावटी ना लगे. एब्सोल्युटली आपकी जो जुबान है वो बनावटी ना लगे बिकॉज देखिए क्या है कि इंग्लिश भी इंडिया का एक बहुत इंट्रिंसिक हिस्सा है जी. और उसका रीजन है बिकॉज इंडिया इज बेसिकली इट्स अ नेशन ऑफ नेशंस. देयर आर मेनी स्टेट्स, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस और उसमें जो एक बाइंडिंग फैक्टर बहुत हद तक जो जो है उन स्टेट्स में उन लोगों में जी. वो अंग्रेजी है जी. मलयालम के अगर लोग हैं, केरला के लोग हैं और अगर वो उसमें बंगाली लोगों से अगर वो इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो वो शायद उनकी दोनों जुबानें उनकी मुख्तलिफ हैं जी. तो उनको कम्युनिकेट करने का जरिया जो है वो अंग्रेजी होगा. तो वो एक इंग्लिश इज एज मच एन इंडियन लैंग्वेज एज वेल बिकॉज जो भी कॉलोनियल हैंगओवर कह लीजिए जो भी कह लीजिए लेकिन ये एक सच्चाई ये है कि इंग्लिश भी हमारा एक हिस्सा था जी. हिस्सा है और उसमें बहुत अच्छा लिटरेचर भी लिखा गया है. आर के नारायण ने जो लिखा है और भी बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए हैं बहुत सारे जी. कमला दास, मेरी खुशकिस्मती है कि कमला दास के साथ में मेरी मेरी पोएम्स पब्लिश हुई हैं जी. तो इस तरीके के भी काफी एग्जांपल्स हैं. तो आई थिंक मिली जुली चीजें थी. तो मुझे फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में मुझे एलियन लैंग्वेज नहीं लग रही थी जी बिकॉज आई वाज थिंकिंग इन इट. तो मुझे वो नेचुरली फ्लो कर रही थी बहुत हद तक. सर आपने अपनी किताब में दो ऑथर और एक जर्नलिस्ट का नाम लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे में बताएं कि उन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में कैसे इन्फ्लुएंस किया उन्होंने आपको. आपने एक आप प्रेफेस की बात करें. हाँ जी हाँ जी. तो सर आपने दो मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे में बताएं कि एक तो हिंदी के कवि थे और मलयालम के भी. हाँ जी जी जी. तो अभी जैसे अशोक वाजपेयी साहब तो ये बहुत 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 बड़े हिंदी के कवि जी और आईएएस ऑफिसर भी मतलब डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर. तो अभी क्या होता था कि जो मेरी समर वेकेशंस होती थी तो मैं उसमें अलीगढ़ से दिल्ली 2 घंटे का रास्ता था तो मैं दिल्ली चला जाता था अपने में दोस्त के वहाँ रहता था. और तो वहाँ पर फिर आई यूज्ड टू ट्राई एंड मीट दीज राइटर्स एंड दीज ऑथर्स जी. तो उसमें अशोक वाजपेयी साहब से एक बार मेरी मैं उनसे मिलने के लिए गया और तो ही वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव एन लाइक अ पेशेंट हियरिंग बिकॉज लोग बिजी होते हैं जरूरी नहीं कि हर वक्त उतना वक्त है. तो उन्होंने उस वक्त सलमान रश्दी की किताब आई थी द मूड्स लास्ट साई जी. तो वो पढ़ रहे थे वो तो उन्होंने उसने बताया कि इसमें एक एक्सप्रेशन सलमान रश्दी ने यूज किया है इंसान सूप ब्लड के लिए खून के लिए कि इंसान सूप के जैसे अगर द ब्लड इज स्पिल्ड और व्हाटएवर सो ही हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन इंसान सूप. और उसके बारे में वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा कमाल का मेटाफर है और बहुत ही अमेजिंग इनसाइट है. तो वो मेरे जहन में मेरे रह गया कि मेटाफर को आप किस तरीके से आप यूजेज किस तरीके का आपका हो सकता है. तो वो एक मेमोरी मेरे पास थी. फिर के सच्चिदानंदन का मैंने जिक्र किया था. के सच्चिदानंदन मलयालम के बहुत कमाल के पोएट थे जी. तो इंडियन लिटरेचर जो साहित्य अकेडमी का जो जर्नल है जिसका मैंने जिक्र किया तो उसके एडिटर थे वो. तो मैंने उनको मैंने अपनी कविताएं जाके दिखाई और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन कहा जिससे मुझे एक अपनी पोएम्स के बारे में एक इंसाइट भी मिला. और ये था कि उन्होंने कहा कि आपकी कविता में अंग्रेजी कविता में जो मेटाफर्स हैं वो उर्दू के हैं. दैट मेक्स योर पोएट्री यूनिक एंड डिफरेंट. आप जो हैं आप अंग्रेजी शायरों से या उनके मेटाफर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अंग्रेजी है लेकिन आपके जो मेटाफर्स हैं वो उर्दू के. तो विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट और तो उससे मुझे और एक तरीके से बूस्ट मिला. और एक राइटर का जिक्र वो अनिल सारी साहब का मेरे ख्याल से. बहुत अच्छे फिल्म जर्नलिस्ट थे.
जिन्होंने, आपने ये सुना होगा, पैरेलल मूवमेंट सिनेमा में जो कहा जाता था 70s में, तो वो जो वर्ड कॉइनेज पैरेलल सिनेमा वो अनिल सारी साहब ने किया था कि दैट एक तो कमर्शियल सिनेमा है और दूसरी पैरेलल सिनेमा है, आर्ट सिनेमा को पैरेलल सिनेमा कहते हैं, तो वो उन्होंने कॉइन किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि दैट इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज, इट लिंक्स पीपल फ्रॉम वेरियस वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो वो मेरे जहन में था कि हाँ, मतलब लिंक लैंग्वेज इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट एज वेल। सो बेसिकली सर, आपने अपने बुक में अपने वालिद साहब शहरयार साहब का एक जिक्र किया. उन्होंने बोला कि अगर आप ज़िंदगी में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो आपको यूनिक तरीके से कुछ बातें जो हैं वो आपको करनी होंगी. तो शायद आपने इसी वजह से उर्दू मेटाफोर्स को इंग्लिश में यूज़ किया. नहीं, तो लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं था। वो उर्दू मेटाफर्स का यूजेज अंग्रेजी में बिल्कुल भी कॉन्शियस। देखिए क्या है कि बहुत जरूरी होता है कि मतलब शायरी जो है, जिस तरीके से जो मुझे समझ में आता है और अच्छा खासा पढ़ा भी है, तो शायरी जो है आप उसको कॉन्शियसली नहीं कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली करनी चाहिए कि आपको बैठ कर आपको लिखना है, लेकिन वो एक आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा पूरा प्रोसेस है कि आप यू यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स हु आर रीडिंग इट, जी. दैट दे कैन आइडेंटिफाई विद इट। अगर लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और डिफरेंट लोग उसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर, लेकिन आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और पोइट्री जो है, जहां तक जो मेरे लिए है, वो एक तरीके का एस्केप है कि सर्टेन सर्टेन थॉट्स जो हैं वो आपको या तो बॉदर कर रहे हैं या फिर आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं, और फिर आप उसके बाद फिर लिखते हैं, और फिर वो आप जब लिख लेते हैं तो आपको एक एक सेंस ऑफ कैथारसिस हो जाती है। जी तो वो उसके बाद फिर देन यू फील एट ईज, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज। तो वो एक फैक्टर है। तो उसमें जो भी नज़में जो लिखी हैं तो वो बहुत ही उन्होंने सर्टन इश्यूज ने बॉदर किया है, सर्टन चीज़ों ने एक इम्पैक्ट किया है, उसकी वजह से आई है। तो किसी उसमें कोई इम्प्रेस करने का कोई किसी को वो नहीं है। इट इज़ नॉट मेंट टू इम्प्रेस एनीवन। एब्सोल्युटली. और सर, जितना मैंने शायर को पढ़े हैं, मैं तो बहुत छोटी उम्र है और कोशिश कर रही हूँ उनको पढ़ने की, तो बस इतना ही समझ में आया कि वो आपके साथ फ्लो करते हैं. आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो ख्यालात हैं, वो फ्लो कर रहे होते हैं. वो ज़िंदगी में सांसों की तरह आपके साथ चल रहे होते हैं. तो जितना मुझे ये छोटी सी बात समझ में आई कि शायद ज़िंदगी जो है वो देखिए देखिए शायरी की खूबसूरती ये है कि हो सकता है कि कोई चीज़ आपने कोई आपने कोई आपने कविता आपने पढ़ी हो, जबकि आप 15-20 साल की आपकी उम्र हो, तो वो जी. उसके उसके मायने आपके शायद हो सकता है उस वक्त कुछ और होंगे। जब आप 25-30 के बीच में आए तो उसके मायने बदल सकते हैं जी आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर। और उसकी खूबसूरती ये है कि दैट यू नो इट इट स्टेज विद यू, जी इट यस स्टेज विद यू। लाइक एक एक मुनीर मुनीर नियाजी साहब का एक एक शेर था। मुनीर नियाजी ये बहुत जी बहुत कमाल के उनके जी शायर हैं, पंजाबी के भी शायर हैं। जी तो ये मुझे इनफैक्ट अब्बा ने सुनाया था। अब्बा के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन अब्बा पसंद करते थे। तो उन्होंने एक उनका एक शेर था कि दैट एक और दरिया का सामना है मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना है मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जी सर. और बशीर भट्टो तो साहब ने भी जिंदगी ऐसे ही बोला है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट, जी बहुत कमाल का शेर है बशीर भट्टो साहब का भी। जी लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर मुनीर मुनीर नियाजी साहब कहना ये चाह रहे हैं कि आप जब एक दरिया के पार उतरेंगे, कि आपने एक दरिया क्रॉस कर लिया, दरिया बेसिकली यहाँ पर डिफिकल्टीज से है जिंदगी जिंदगी एब्सोल्युटली. के जो 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 मसले मसाइल है, आपने एक दरिया क्रॉस किया तो दूसरा सामने खड़ा होगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि दैट there will be difficulties in life one after another. If you are mentally prepared for it, you will be better able to tackle it, एब्सोल्युटली. deal with it. बहुत So, खूबसूरत शेर है सर ये. सर, एक बड़ा ही अहम सवाल. अब आपने आपने अब आपने अब्बा का जिक्र किया, तो मैं जी एक ये बताऊं कि अब्बा अब्बा मुझसे ये कहते थे कि यार देखो, ऐसा है कि पहले पहले तो पढ़ा होना चाहिए तुम्हें। तुम सर्टन जरूरी नहीं है कि तुम हर किस्म के शायरों को पढ़ो, लेकिन कोई कुछ जो बड़े बड़े शायर हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करो। और एक चीज का ध्यान होना है कि जब आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं,
तो आपको इस चीज कॉन्शियसली ये होना चाहिए कि यार ऐसा नहीं हो कि पता चला आपने कुछ लिखा, आपको लगा आपने बहुत बड़ा कमाल की चीज लिख दी है, लेकिन 400 साल पहले कोई ऑलरेडी लिख चुका है। अगर वो चीज पहले लिखी जा चुकी है तो फिर आपके आपकी कही हुई बात की वैल्यू नहीं होती, कोई मानने नहीं। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर राइटिंग समथिंग व्हिच इज न्यू, व्हिच हैज नॉट बीन सेड बिफोर। जी, और सर माशाल्लाह मुझे आपके पीछे बैकड्रॉप में बहुत सारी किताबें भी नजर आ रही हैं। आई एम वेरी लाइब्रेरी, क्योंकि जब भी मैं आपके वीडियोस देख रही होती हूँ, जब भी आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डाल रहे होते हैं, तो मैं बड़ी इंस्पायर रहती हूँ, कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं। सर आप एक बड़ा ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने अपनी किताब जो है वो अपनी मदर प्रोफेसर नजमा महमूद साहिबा के लिए डेडिकेट की है। पहला जो आपने शुरुआत की है एक कोट के साथ की है, वो मैं चाहती हूँ कि आप वो एक्सप्रेस करें, और साथ साथ आपने जो आखिरी पोयम है, जो नंबर 53 जो पोयम है जिसका उनवान है एन अनस्टॉपेबल विंड फॉर हर, तो आपकी मदर ने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया आप डेवलपिंग योर पर्सनालिटी, और आई थिंक वो हमेशा आपके न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी सेव किया करती थी। मैं देखिए आई थिंक मेरे ख्याल से देखिए मदर्स तो सभी की स्पेशल होती हैं जी, तो हर किसी की अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं जी। तो लेकिन ये है कि हाँ भाई बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे वालदा का जी। उसमें यही था कि हमेशा से एक बिलीफ हमारे अंदर एक उन्होंने भरी है कि भाई तुम कर सकते हो, तुम कुछ अलग हो। बिकॉज मुझे उतना बिलीफ नहीं थी जब स्पेशली वाइल ग्रोइंग अप, आई थिंक जब आप ग्रोइंग अप होते हैं तो मतलब बहुत बार उतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं यू आर ये कर। और मेरी जो मैं बचपन में मैं लिखता था तो वो उसको हमेशा वो दूसरों को सुनाती रहती थी जी, अभी भी सुनाती हैं उनके लिए, तो मतलब ये है कि अभी भी आप बच्चे हैं उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो किसी ने फोन करवाया उनसे मुझसे मिलना चाहते हैं बॉम्बे में और ये सब, और उनके सामने कुछ लोग हैं, हमें तो यही याद रहेगा जब मेडिकल कॉलेज में तुम जब पैदा हुए थे हमारे सामने, हमारे तो वही हो। तो वो सब चीज़ें थी। उसके अलावा ये कि घर पे किताबें उनकी इंग्लिश लिटरेचर की बहुत रहती थी, तो अब देखिए आज के टाइम पे तो आप गूगल आपके पास में है, आप बहुत सी चीज़ें आपको आप किंडल से आप किताबें वो कर सकते हैं, वैसे आप किताबें कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना गूगल था ना कुछ और कोई चीज़ें थी। अगर अगर घर पे वो किताबें नहीं होती तो शायद उस तरीके का हमारी एक जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होता। अब हर तरफ किताबें थी, कोई भी उठा के आपने पढ़ लिया, आपने उसमें समझने की कोशिश कर ली। और क्या होता है कि किताबें बहुत बार आप सिर्फ अगर पढ़ें भी ना, लेकिन अगर आप रोजाना देखते रहें उनको, उनके टाइटल्स भी देखते रहें, उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर जी, वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस जी। तो वो एक बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर था। उसके अलावा उन्होंने सारी क्लिपिंग यही मेरी उन्होंने एहतियात से रखी, और ये किताब अगर आई है तो उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज वो मुझसे कई सालों से मुझसे वो कह रही थी कि भाई पब्लिश कराओ पब्लिश कराओ पब्लिश कराओ। मेरा ये था कि दैट स्पेशली पोइट्री में क्या होता है कि दैट इट्स नॉट समथिंग विच सेल्स, तो मतलब इतना पब्लिशर भी इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत बार आपको खुद ही पब्लिश करना पड़ता है। मतलब आई एम लकी दैट आई गॉट अ पब्लिशर हु नॉट ओनली शोड अ वेरी गुड इंटरेस्ट बट उन्होंने दे वेंट आउट ऑफ द वे टू पब्लिश इट वेरी नाइसली, अच्छा पेपर यूज किया है, अच्छा कवर यूज किया है। तो उसमें अगर वो उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया होता, और सारी जो भी मेरी वो थे मैनुस्क्रिप्ट था, बिकॉज मैं टाइप करवाता था, एक मार्केट थी वहाँ पे शमशाद मार्केट करके अलीगढ़ में, और वहाँ पे जाकर जब भी मैं कोई पोएम लिखता था मुझे भेजना होता था, जैसे लिटिल मैगजीन्स होती थी वहाँ पर मैं भेजता था, तो वो टाइप करवा के फिर मैं उसको मैं जीरोक्स कराता था, तो उसकी क्लिप वो पड़ी हुई थी, तो वो उन्होंने एहतियात से उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। That is something, because अगर वो नहीं उन्होंने रखा होता एहतियात तो शायद कहीं ऐसी खो गई होती सब चीज़ें। तो डेफिनेटली इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और जो मैंने कोट मैंने जो लिखा था वो ये है कि करेज इज नॉट अ वर्चू बट दी वर्चू, दिस इज समथिंग दैट शी ऑलवेज ऑलवेज सेज दैट करेज इज नॉट अ वर्चू बट दी वर्चू, इन द सेंस इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्चू। एब्सोल्युटली असर होता है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट तो होता ही है आपको।
जी सर। सर अभी हम अभी अभी हमारा छोटा सा ब्रेक का वक्त है और अभी आपके साथ मैं बातों का सिलसिला और बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो मुझे आपसे सुनने हैं, आपकी जुबान से सुनने जी हैं। बिल्कुल और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि जिसको मैं इतने सोशल मीडिया में फॉलो करती आ रही हूँ, आज वो मेरे समक्ष बैठे हैं, मेरे रूबरू हैं। और कहते हैं ना कि मुझे खुशी मिली ऐसी मेरे तन में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं झलक ही ना जाए। तो उस टाइप का डेफिनेटली ओवरवेल्म फीलिंग है। बट चलिए इंशाल्लाह इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है और अभी हमारे पास 30 सेकंड्स बचे हैं, तो मैं आपसे आपकी किताब के बारे में पूछने वाली हूँ। आपने अपनी किताबों को 2 भागों में डिवाइड किया है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और आप माशाल्लाह एक अपनी खूबसूरत एक कविता भी रिसाइट करेंगे हमारे लिए। तो बस मिलते हैं सर छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनेशिया रेडियो। आप हैं इस वक्त आरजे मीनाक्षी के साथ, चल रहा है आज दिल शायराना, और हर बार की तरह आपके साथ आपके सामने रूबरू करा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब शायर, जो कि अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट तो हैं ही, जिनका टॉकिंग फिल्म्स बॉलीवुड हंगामा का इज द नंबर वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी चैट शो, और इनकी रिसेंटली किताब डस्ट ऑफ सैडनेस पब्लिश हुई है कविशाला के थ्रू। और आज जनाब फरीदून शहरयार साहब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे। फरीदून साहब वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर। तो सर अभी हम चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और मैंने आपसे एक सवाल, मैंने आपको हल्का सा आपको आइडिया भी दिया था कि आपकी जो किताब है डस्ट ऑफ सैडनेस वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और उसके पीछे की भी कहानियाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपकी इस किताब में आपकी पूरी एंटायर लाइफ इज डिपिक्टेड इन डिटेल इन पोएटिक फॉर्म। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव के साथ इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, पहला सवाल जो आपका ये है कि किताब 2 हिस्सों में, तो अब क्या हुआ कि जो जो फर्स्ट है वो है इनोसेंस इन सर्च ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 21, और दूसरा है मैच्योरिटी इन सर्च ऑफ एन एस्केप, दैट इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 37 to 42। तो इस तरीके से मैंने उसको डिवाइड किया था, और कोई देखिए कोई कॉन्शियस एक पैटर्न नहीं था। बिकॉज क्या हुआ कि जब एक बार जब हम आदमी नौकरी पेशे में लग जाता है तो यू रियलाइज कि दैट कॉन्स्टेंटली आपको ये बताया जाता है कि पोइट्री डजंट सेल, पोइट्री डजंट सेल, तो वो एक फैक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा लिखना, जो अंग्रेजी शायरी थी, मैंने कम कर दिया, और वो सारा जो मेरा राइटिंग का जो सारी जो मेरी जो मेरा पैशन था, तो वो मैंने अपने जर्नलिज्म में मैंने उसको डाल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैं लिख रहा था, और भी मैंने पब्लिकेशन में मैक्सिमम जितने पब्लिकेशन हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सबके लिए मैंने लिखा, बहुत से वेबसाइट्स में लिखा, और फिर मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने एडवर्टाइजिंग में मैंने मैंने किया है। बिकॉज जब आप पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें आप करते हैं, तो एब्सोल्युटली एडवर्टाइजिंग मुझे इससे पोइट्री से बहुत हुआ। बिकॉज आई यूज टू राइट माई ओन कॉपी, तो वहाँ पर बहुत सा यूटिलाइजेशन हुआ। फिर मैंने 2 किताबें मैंने लिखी हैं, घोस्ट घोस्ट राइटिंग मैंने करी है 2 किताबों की, तो उसमें वहाँ पर भी जाहिर सी बात है राइटिंग ने बहुत हेल्प किया। जी एंड तो काफ़ी अरसे के लिए मैंने फिर कविताएं नहीं लिखी। फिर उसके बाद फिर एक 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 टाइम आया कि दैट आई स्टार्टेड राइटिंग वंस अगेन, लेकिन उसमें उसमें भी कोई कोई प्लान नहीं था। उसमें भी जस्ट हैपेंड दैट यू नो, एक वो अर्ज थी कि आपको लिखने का, आपको एक वो है, और देन इट स्टार्टेड। तो कोई देर वॉज नो प्लान व्हाट्स एवर, लेकिन फाइनली जब उसको मैंने फिर असेंबल करने का सोचा, तो मैंने सोचा कि आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू जस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली कि दैट वॉट एग्जैक्टली हैज बीन द पैटर्न इन टर्म्स ऑफ राइटिंग दीज पोएम्स। सो इट गिव्स अ पर्सपेक्टिव कि ये एक सर्टन एज ग्रुप में लिखी गई हैं, और ये एक सर्टन और एज ग्रुप में लिखी गई हैं, और किस तरीके के जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं। कि एक टाइम पे आप जब आपकी कम उम्र होती है तो आप मैच्योरिटी की तलाश में आप एक तरीके से होते हैं, यू आर होपिंग फॉर, तो उस वक्त की हैं। फिर बाकी ये है कि जब आप होपफुली मैच्योरिटी आ गई, बिकॉज मैच्योरिटी की कोई गारंटी तो है नहीं कि एज के साथ में आ जाए। तभी आपने वो बहुत जो सारे होते नेक्स्ट उन्वान कुछ और अलग लिखा कि मैच्योरिटी इन इन सर्च ऑफ एस्केप। हाँ, मैच्योर इन द सेंस
मेरा कहना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैच्योरिटी की कोई गारंटी तो होती नहीं कि आपको आ जाए. मैं यहाँ पर मतलब क्लेम कर रहा हूँ कि मैच्योरिटी मुझको आ गई, और उसमें फिर ये है कि मैच्योरिटी इन सर्च ऑफ एन एस्केप, कि मैच्योरिटी जब आपको आ गई तो अब आप एक एस्केप की तलाश में है. दैट जब आप दुनिया को देख रहे हैं, जब आप जिंदगी को आप जब जीने आप लगे हैं, तो आप रियलाइज कर रहे हैं कि दैट जिस तरीके की जिंदगी है, जिस तरीके की दुनिया है, तो शायद आप उससे एस्केप करना चाहते हैं, जो भी वजूहत है, जो भी रीजंस है. तो ये उसका एक फैक्टर था. दूसरा आपका सवाल क्या था सर? सवाल क्या था कि आपने एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखी है लिखने में. मैंने आपकी ये पूरी किताब कम से कम दो बार पढ़ी है समझने के लिए. पहली बार तो मुझे पहली बार मेरे को समझ में नहीं आई, फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे ही थॉट्स हैं. जिंदगी में आपने ये जो किताब लिखी है, आई फील सो मच ऑफ डेप्थनेस. इतनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप अपने आसपास, इतना सेपरेशन भी महसूस कर रहे हैं, साथ साथ आप हेल्पलेसनेस भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक आपकी प्रोग्रेसिव वॉइस है जो मैंने महसूस की उस पूरी किताब में, कि कहीं ना कहीं आप एक बात कहना चाहते हैं, एक आपकी एक बुलंद आवाज है जो निकल रही है बाहर से. और मुझे आपके किताब में प्रोग्रेसिव राइटर्स की एक रिफ्लेक्शन भी नजर आई. और तो मैं ये प्रोग्रेसिव तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए. प्रोग्रेसिव दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट. लेकिन देखिए, मेरा मेरा मानना ये है कि आई एम बेसिकली नॉन कन्फॉर्मिस्ट. मैं किसी भी तरीके के किसी भी तरीके का आइडियोलॉजी या किसी भी तरीके का जो जो मूवमेंट्स हैं पोइट्री में, चाहे वो अंग्रेजी शायरी में हो या फिर उर्दू शायरी में हो या फिर और भी किसी जुबान की शायरी में जो कि मूवमेंट्स हैं, तो उसके साथ मैं पूरे तरीके से अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहूँगा. मतलब जी. मुझे ऐसा लगता है कि दैट आपको आप अलग अलग जिंदगी के जो आपके पड़ाव आएंगे, आप आपका जो एक रुझान होगा वो अलग तरीके से होगा. तो अगर बिकॉज जब अगर आप डिटेल में अगर आप शायरों की हिस्ट्री पढ़ने जाएं और उनके जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है अगर आप उसको देखने के लिए जाएं, तो उसमें क्या होता है कि सर्टेन जो शायर जो सर्टेन एक दौर के होते हैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उनको जो ग्रुप होता है वो उनको बांधने की कोशिश करता है कि आपको यही कहना चाहिए. जी जी. और आप अगर इसके अलग आप अगर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप. तो वो चीज दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट बिलीव इन. आई थिंक अगर किसी आप एक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप किसी और भी आइडियोलॉजी में को भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं. तो वो मैंने कभी भी मैंने करने का उस तरीके से नहीं सोचा है. और शायरी मतलब आई थिंक बहुत हद तक पर्सनल होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. वो आपके जो अब आप अगर कोई झंडा उठाने लगे हैं कि भाई हमें इस उसका मशाल लेकर आप चल रहे हैं, तो वो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. बहुत बार क्या होता है कि कोई भी दुनिया में इवेंट होता है या फिर कोई भी अगर आपदा आती है तो लोग उसके बारे में फौरन के हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं. जी. वो बेसिकली एक हद तक ऑपरचुनिज्म होता है कि आप एक सर्टन सेंटिमेंट है ऑलरेडी और आप उस पर कैश करने की कोशिश कर रहे हैं. बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक चले. वो चीज़ चलने को चल भी सकती है, कोई गारंटी नहीं है. जी. मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी है कि दैट कोई भी कॉन्शियसली प्रोग्रेसिव होना है. जी. प्रोग्रेसिव तो होना ही चाहिए. लिबरल तो आई थिंक नेचुरली इंसान. एब्सोल्युटली. लेकिन आपके लिए बहुत पर्सनल. जी. इट इज पर्सनल. माय पोएट्री इज वेरी पर्सनल, बट एट द सेम टाइम होपफुली इट हैज समथिंग फॉर अदर पीपल टू कनेक्ट टू. सर, सबसे खास बात आपकी पोएट्री की ये है कि नॉस्टैल्जिया देती है आपकी पोएट्री. एक अपार समुंदर सामने है, आप सामने खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, आपको क्या करना चाहिए, और इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप फील कर रहे हैं कि एक आपका जो लफ्ज़ है, अल्फाज है, वो फील होता है कि जैसे आप ही की ज़बान है, आपने हमारी ही बात बोली हुई है. तो ये जब मैंने सेकेंड टाइम आपकी पोइट्री पढ़ी तो मुझे यही लगा कि ये मैं ही हूँ. आपकी एक खासकर जो मुझे दो पोइट्री बहुत पसंद, आपकी सारी पोइट्री बहुत अच्छी हैं, दो मुझे बहुत पसंद आई, फियर ऑफ पास्ट और एलियनेशन. और जी, और इस पोइट्री में मुझे ये समझ में आया कि
लोग कितना ज़्यादा अपने पास के साथ जुड़े हुए होते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, स्टक रहते हैं। और अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि अगर आप सॉलिट्यूड में रहने लग जाएं तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, जैसे कि आपने रहना शुरू किया सॉलिट्यूड में, आपने किताबें अपने हमसफ़र बनाई और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपने पोइट्री की है। तो ये जो दो स्पेशली पोइट्री जो थी, फियर ऑफ पास्ट एंड एलिनेशन, दैट वाज माय फेवरेट वन, जिससे कि मुझे लगा कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो सर आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप कुछ अपनी बुक से पढ़ें हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल. मैं तो इनफैक्ट जो आप जो नज्म आपको पसंद है मैं वही सुना देता हूँ पहले. तो ये और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके पीछे का थॉट भी आप जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं कुछ, क्योंकि जैसे कि आपने बताया था कि हर एक पढ़ने वाले का अपना एक अपना सोचने का देखने का नज़रिया होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शायर ने जो इतनी खूबसूरत पोइट्री की है उसके पीछे का उनका नज़रिया क्या है। नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ. और मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी भी बताऊंगी आज, डस्ट ऑफ सैडनेस के साथ, जो मेरे साथ हुई है आज, और वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अच्छा लेकिन नहीं जी हाँ बिल्कुल. और आज ही हुई है वो तो एक एक ये कविता है, इसका नाम है एको ऑफ एक्सपेक्टेशन. सो दिस इज अनदर पोयम व्हिच आई थिंक हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी. जी। सो इट गोज लाइक दिस. एन एको ऑफ एक्सपेक्टेशंस रेजोनेट्स प्रोफ्यूसली. In a dim-lit room, a shadow of dreams saunters along, halting briefly to move again, lost in its reverie. It is a sin to expect, the voiceless screams. सर आपने So, ये जो इसके लिए आखिर की मैंने दो दो लाइनें अपनी शुरुआत किताब में लिखी हैं, और जब मैं वो जी पढ़ा था तो जब मैं आगे गई और मैंने ये एको ऑफ एक्सपेक्टेशंस पढ़ी तो देन आई थॉट ओके दिस इज इट। तो आपने वहां से नहीं तो ये दिस इज इट हैज हेल्प मी यू नो दैट दैट इट इज अ सिन टू एक्सपेक्ट. सो क्या होता है कि इंसान की जो परेशानियों की या फिर दुख की जो एक सबसे बड़ी वजह होती है वो एक्सपेक्टेशंस होती है. जब आपको लोगों से एक्सपेक्टेशंस हो, अपने आप से जरूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, हालात से एक्सपेक्टेशंस हो, और अगर वो उस तरीके से नहीं हो जैसे कि आप चाहते हैं तो आपको तकलीफ होती है. तो बेस्ट ये है कि दैट एक्सपेक्ट ना करें. जी When you don't expect and if good things happen to you, you always feel good. Now, interestingly, जब मैंने कुछ साल पहले, अभी हाल हाल भी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, मैंने एक और नज़म लिखी. उसका नाम है लैम्प पोस्ट ऑफ टीयर्स. तो वहां पर मैंने वो एको एक्सपेक्टेशंस को मैंने फिर से यूज किया है. मैंने आपको वो मैं आपको सुनाता हूँ. जी जी एज आई हियर द एको ऑफ एक्सपेक्टेशंस आई स्टैंड स्टिल फॉर अ वाइल and admonish myself on the worldly vice, vice as in vice, and admonish myself on the worldly vice. It is a sin to expect. I have written long back. Maybe it's time to write. Invest in emotions, only in those who deserve your attention and time. Wisdom is an ongoing process. The lampposts of tears shall be your guiding light. Wisdom is an ongoing process. The lamp post of tears, it should be your guiding light. बहुत Shall बहुत be your खूब, guiding light. can be of So guiding basically, the light. lamp post of tears, in the sense के जो जैसे अगर आप lamp post imagine करें जी और फिर उसमें फिर आपने उसको tears से आपने combine कर लिया है कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और lamp post हैं, तो आपके जिंदगी में जैसे आप move कर रहे हैं और जो आपके लम्हे रहे हैं जब आप आपको रोना आया या फिर आपको दुख हुआ या फिर आप हर्ट हुए हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे. जी दैट दोज मोमेंट्स विल गाइड यू कि दैट व्हाट इज इट दैट मे बी यू शुड नॉट बी डूइंग सो दैट यू डोंट गेट इनटू दोज सिचुएशंस अगेन. जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी पोइट्री में नॉस्टैल्जिया आता है, जब मैं आपकी पोइट्री पढ़ रही थी तो मुझे अपना पूरा बैक, अपना जो ज़िंदगी मेरी अभी तक का जो सफ़र रहा है वो सामने एकदम खड़ा हो गया था। और एंड आई वॉज कि चलिए अब दिस इज़ इट आई गेस। कि आपकी पोइट्री में खास बात सर ये भी है कि इमेजेस आ रही होती हैं आंखों के सामने। आपने कभी ऐसा फील किया? शायद मुझे ही फील हो रहा है ये कि आई कैन रियली नहीं इमेजिन। इमेजेस आई थिंक इमेजेस का जरूरी है, और जी लेकिन वो फोर्स फोर्स इमेजेस नहीं होनी चाहिए. जी दे शुड फ्लो नेचुरली.
ऑर्गेनिकली आएंगे तो फिर वो, और उसमें कुछ नयापन हो, देयर शुड बी समथिंग न्यू दैट दैट विल अपील टू पीपल. सो या तो चलिए सर, अभी तो ये तो आपकी बातें हो गई हैं और अभी आगे भी चलेंगी डस्ट ऑफ सैडनेस के बारे में. एक बड़ी खास बात मैंने आपके बारे में जानी है कि आप कभी भी टेलीविजन के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते थे, आपको टेलीविजन जो है वो इतना पसंद नहीं था. फिर आप अवार्ड विनिंग एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट कैसे बने, अब तक का सफ़र इतना कैसे तय किया कि आज सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप देखें, जो मुझे लगता है कि सबसे ऑनेस्ट एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो मैंने अभी तक देखा, जो बिल्कुल क्लियर शब्द में बात करता है, जो क्लियरली बातों को एज इट इज शेयर करते हैं, उसमें कुछ नापतोल नहीं होता और सीधी सीधी सच्ची बात कही जाती है. तो टेलीविजन तो आपके साथ कभी थे ही नहीं, आप तो बुक्स आपके हम सफ़र थे, तो इतना ये सफ़र कैसे आपने तय किया? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे टेलीविजन का मुझे शौक नहीं था. जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था टेलीविज़न देखना. मतलब मेरी मेरी बहन तो कहती हैं कि दैट मैं तो कृषि दर्शन भी देख रही था. कृषि दर्शन एक आता था तो उस टाइम पे बहुत बहुत अच्छे शोज आते थे, फिल्में आती थी जी, इंग्लिश की फिल्में आती थी और हिंदी की फिल्म आती थी, और बहुत से बहुत अच्छा सीरियल्स, बड़े अच्छे कमाल के सीरियल्स होते थे. चित्रहार भी आता था सर उस वक्त, हम लोग बहुत देखते थे. चित्रहार भी आता था. देखिए उसमें टेलीविजन का जो मैंने जिक्र किया उसका मैं आपको कहानी में आपको बताता हूँ कि उसमें हुआ क्या था कि दैट एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैं टेंथ में था, जब टेंथ के बाद में जब मैं इलेवन में जैसे मैं आया तो मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए जी. तो आई स्टार्टेड लिविंग विद माय मदर एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल दैट. So, इत्तेफाक से, when my mother, the house that my mother moved to, so we did not have TV over there. So, for 2 years, we did not have television. Okay, तो वहाँ से आप, तो एक कोई, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था कि टीवी नहीं देखना है. तो वो भी एक फैक्टर था कि दैट जब टीवी नहीं था तो उसके अलावा, मतलब आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड सम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड इंटरेक्शन उसका बहुत इम्पैक्ट रहा. और जब टीवी नहीं था तो फिर और ज्यादा मोटिवेशन रहा कि किताबें पढ़ने का, उसको एक परस्यू करने का. तो वो मेरा फेज बहुत ही अच्छा फेज रहा. प्लस टू में मेरे पास मैथ्स था तो मेरे सारे दोस्त जो हैं वो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, बट आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू गो इनटू आर्ट्स एंड आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गेव माय लास्ट पेपर फॉर साइंस. और उसके बाद फिर जो 3 साल मेरे रहे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे कमाल के रहे, बिकॉज मेरे पूरा एक रूटीन होता था कि दैट सुबह उठ के क्लासेस के लिए जाना है, उसके बाद फिर दोपहर में जो अखबार पढ़ना होता था चाहे कुछ भी हो जाए. छोटे शहरों में क्या होता है कि आप people tend to sleep in the afternoon. तो वो मेरा एक बड़ा conscious मेरा कोशिश थी कि मैं दोपहर में सोऊं. मैं उस time मैं अखबार पढ़ता था and after that फिर then I used to go for classical music की training के लिए. और classical music की training के बाद I used to go to gym and फिर वहाँ से आने के बाद I used to spend some time with friends and then late in the जो रात में मैं कुछ पढ़ता था, लिखता था, कुछ ना कुछ तरीके में. तो वो एक routine मेरा बड़ा अच्छा मेरा रहा उस time पर. And that has helped, I think, immensely. बाकी अलीगढ़ एक बहुत ही आई थिंक अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है. और जो यूनिवर्सिटी का हमारा जो एरिया था एवियो का, तो बहुत ही सीनिक है, बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा हैं. और तो वो एक आपको जो माहौल होता है उसका भी असर होता है आपके ऊपर. तो that helped a lot as well. So various factors थे, कोई ऐसा कोई single वो नहीं था. और जहाँ तक ये है कि फिर किस तरीके से मैं इसमें जर्नलिज्म में आ गया, तो मुझे बचपन से मुझे फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक था. ओके. I used to, yeah, my mother used to always say that शोले के सारे डायलॉग्स याद हैं, this and that. जो प्रोवर्बियल होता था ना कि वो शोले के डायलॉग सुनाओ, तो वो होता था मेरे okay. तो उसमें I was fascinated. तो मेरे हम लोग जब स्कूल टाइम पे हमारे नेबर्स के वहाँ पर VCR होता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, तो वहाँ पर हम लोग फिल्में देखते थे. उनके पास कैसेट्स होते थे
एंड वी यूज्ड टू वॉच फिल्म्स ओवर देयर, वी यूज्ड टू वॉच प्लेज ओवर देयर. तो बहुत सी बच्चन साहब की, तो मैं इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि सर्टन फिल्में जैसे लावारिस हैं और नमक हलाल है, काला पत्थर है, मैंने बहुत बार देखी बिकॉज उनके वहाँ कैसे थे, उनके खुद के थे, महान उनकी एक फिल्म थी. तो मैंने जब भी हम लोगों को कुछ ऐसे वक्त गुजारना होता था, वी यूज टू जस्ट वॉच द फिल्म्स, एंड बहुत बार हम लोगों ने वो फिल्में देखी और भी बहुत सी फिल्में देखी हैं. तो उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट था. फिर एक पॉइंट आया कि अब मैंने रिव्यूज मैंने लिखने शुरू कर दिए. मेरे पास एक किताब होती थी, मैं उसके अंदर जो भी फिल्म देखता था मैं उसके बारे में, जो भी मेरे जहन में आता था मैं लिखता था उसके बारे में. तो ऐसे करके आया. उसके अलावा ये है कि ग्रेजुएशन में जैसे मैंने आप जिक्र किया, अखबार में पढ़ता था, तो आई स्टार्टेड राइटिंग सेंडिंग लेटर्स टू द एडिटर. तो लेटर्स वो कुछ उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होना शुरू हो गए और पब्लिकेशन में पब्लिश होना शुरू हो गए. तो उससे काफ़ी एक बूस्ट मिला. देन आई केम टू, आई डिड अ कोर्स इन जर्नलिज्म फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. फिर दैट्स ऑल. आई वाज वेरी, आई वाज ऑलवेज क्लियर कि मैं आर्ट्स के बारे में लिखना चाहता हूँ. वेरी क्लियर दैट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जर्नलिज्म में मुझे नहीं जाना है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड जहाँ तक ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दैट आज के टाइम पे लोग मुझे मेरे वीडियो इंटरव्यूज की वजह से जानते हैं, बट मेरा कभी भी ऐसा प्लान था नहीं. दैट हैपेंड बाय एक्सीडेंट. तो बॉलीवुड हंगामा से पहले मैं एक वेबसाइट में काम कर रहा था जो कि साउथ के लोग थे, उनकी वेबसाइट थी, एंड दे वर वेरी कीन ऑन वीडियोस. ये मैं आज से बात कर रहा हूँ, आज से 16 साल पहले की बात, जब यहाँ पर लोगों ने वीडियोस तो सुना भी नहीं था. लेकिन सिंस वो चेन्नई से थे और वो आईटी एंड वहाँ पर पहले स्टार्ट हो गया था, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि वीडियोज हमें करना है. तो रिलक्टेंटली मैंने स्टार्ट किया वीडियोज का, और वो नोटिस किया गया. बॉलीवुड हंगामा वॉज अर्लियर कॉल्ड इंडिया FM. And they called me because I used to do freelancing for them earlier. और मैंने करना शुरू किया. फिर वो करते 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 सीखते 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 जो भी है आज के टाइम पे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास में है. जी माशाल्लाह, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं आप. जी सर, जैसे कि आपने मुझे बताया ना अलीगढ़ के बारे में, आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी. ये जो मेरे फादर हैं वो बुलंदशहर के हैं, और मेरा जो बचपन है वो खुर्जा अलीगढ़ में भी निकला है. मेरी जो मदर हैं वो अलवर की हैं. तो राजस्थान, यूपी, दिल्ली, इन सब जगह में रही हूँ. और हम लोग अपनी मौसी के घर जाया करते थे, वहाँ पर VCR लगा करके कैसेट में हम लोग मूवी देखा करते थे. और मुझे याद है हमारी पहली पिक्चर थी हम. तो जब आपने ये बताया ना, तो मुझे पूरा वो टाइम याद आ गया अपना. जैसे कि आपकी बातों में नॉस्टैल्जिया है, आपकी पोएट्री में नॉस्टैल्जिया है, और जिंदगी में आपके साथ चीज़ें होती चली गई. आपने कुछ किया नहीं है, बट होती चली गई आपके साथ. सर, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस? जी बिल्कुल, बताए ना. सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कुछ बताए? बॉम्बे मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है जी. यहाँ पर बाकी मेरी मदर मेरी बहन के साथ में रहती हैं दुबई में जी. और मेरे भाई करीबन 20 साल से दुबई में थे, अभी वो रिसेंटली पोर्चुगल शिफ्ट हुए हैं जी. तो वो वहाँ पर हैं. तो दैट इज व्हाट माय फैमिली इज. तो सर, आप अपनी वाइफ के बारे में बताएं. एक बड़ी दिलचस्प कहानी बता रहे थे आप, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने और देखने वालों को भी वो कहानी बताएं. और बड़ी ही, मैं सबको बताना चाहूँगी, बड़ी ही क्यूट सी कहानी है वो. और एक होता है ना कि जब आप किसी से पहली पहली बार मिल रहे होते हैं, तो आप यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस. तो हमारे जो फरीदून शहरयार साहब थे, वो भी किसी को इम्प्रेस कर रहे थे. तो सर बताइए वो कहानी आप. अब उसमें कहानी उसमें यही थी कि जो हमारी वाइफ है उनका नाम आरफा है. सो उन्होंने BA और MA अंग्रेजी से किया है और टॉपर थी वो जी. IIT गुजराल साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको गोल्ड मेडल दिया है मास्टर्स के लिए, अंग्रेजी के लिए. तो उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स उनके हमेशा से रहे हैं. तो उनकी, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि वो मास्टर्स में उनकी परसेंटेज थी वो 10% ज़्यादा थी जो सेकेंड जिनकी पोजिशन आई थी. 10% मतलब which was massive. So मेरी अरेंज मैरिज मेरी बेसिकली हुई. मेरी मदर की वो स्टूडेंट थी, एंड सो मैंने अम्मी से मैंने कहा कि आप डिसाइड करिए कि दैट आप जो डिसाइड करेंगे मेरे लिए वो अच्छा होगा. सो हमारी इंगेजमेंट हो गई, और उसके बाद फिर फ़ोन पे हम लोग बात करते थे. तो ये इंगेजमेंट की बात है, मतलब आई डिड नॉट नो हर मच. तो मैंने उनको
डस्ट ऑफ सैडनेस मैंने उनको फोन पे मैंने उनको सुनाई जी. तो वो पहला पहला ओकेजन था जब मुझे एक उनकी तरफ से एक सेंस ऑफ अप्रूवल मिला, बिकॉज अदरवाइज बहुत शांत स्वभाव उनका है, कम बोलती है, शी डजंट स्पीक मच. तो सर फिर कैसे करती है? जो लोग कम बोलते हैं तो उसके अंदर उनके 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 जो साइलेंस होता है उसके ज्यादा मीनिंग होते हैं कि आप कहते हैं ये बोल क्यों नहीं रहा है शख्स जी. तो उसमें जब उन्होंने डस्ट ऑफ सैडनेस जब मैंने उनको सुनाई फोन के ऊपर, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि दैट एक अप्रूवल मुझे उनसे मिला है कि दैट हाँ शायद सही डिसीजन ले लिया है. तो ये भी एक फैक्टर था कि दैट आई वांटेड डस्ट ऑफ सैडनेस टू बी द टाइटल. बाकी ये कि दैट शी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, जैसे मैंने आप जिक्र किया कि टाइप्ड फॉर्म में मेरे पास ये सारे पेजेस में थी, और जिस तरीके का मेरा शेड्यूल रहता है शायद मेरे लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको पर्सनली बैठ कर, मेरे पास उतने पेशेंस भी शायद नहीं है कि मैं उसको कंप्यूटर पे टाइप करूँ. तो शी टाइप्ड ऑल द पोएम्स एंड शी मेड अ डॉक्यूमेंट एंड शी गेव इट टू मी. So that is something which is, I think, very, very important, because I don't think मैंने अपने आप से सब मैंने टाइप करे होते. So that was and she is, I think, extremely supportive in. और सर आपकी बेटी के बारे में बताएं, कौन सी क्लास में है, क्या करती है? बेटी भी मेरी लिखती हैं, उनकी भी किताबें उनकी भी आ चुकी हैं. मेरी तो अब जाके आई है, मुझसे पहले उनकी आ चुकी है. उनके ट्रैवलॉग्स की किताब उनकी आ चुकी है, बाकी वो और भी एंथोलॉजीज में पब्लिश उनकी हुई हैं. एंड अभी वो 12th में हैं फिलहाल, और बहुत ब्राइट हैं. और मैं तो उनको कहता रहता हूँ कि तुम्हें और तुम्हें लिखना चाहिए, लेकिन ये है कि अभी जिस स्टेज पर वो हैं तो अपने आप से खुद डिसाइड करें कि वो क्या करना चाहती हैं. तो अच्छी पर्सनैलिटी, आई थिंक विच इज़ इम्पोर्टेंट. ज़रूर सर. सो अभी छोटे से ब्रेक का फिर से वक्त आ गया, और देखिए पता ही नहीं चला कि कब हम लोग एक घंटे से बातें कर रहे हैं. एक दो सवाल और हैं मेरे लिए आपके लिए, तो मैं आपको मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद. जी वेलकम बैक. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनेशियर रेडियो. आप हैं इस वक्त आरजे मीनाक्षी के साथ, चल रहा है आज दिल शायराना, शायराना अंदाज में. आज पेशे खिदमत हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और नायाब शायर, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, जिनका नाम है जनाब फरीदून शहरयार साहब. शहरयार साहब वेलकम अगेन ऑन 104.9 FM फनेशियर रेडियो. थैंक यू. सर अभी चलिए बहुत ही छोटा सा सवाल अभी बचा है मेरे पास आपके लिए. तो हमारे पास बातें बहुत सारी हैं, और कभी भी मुझे लगता है कि वक्त बहुत कम है हमारे पास, वक्त शायद ख़त्म ही नहीं होगा, ये बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. और आई नो आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए इस सेगमेंट के लिए वक्त निकाला है, जिसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं. एक सवाल सर आपसे कि अभी आपने डस्ट ऑफ सैडनेस जो है वो इंग्लिश में लिखी है, और मैं रिसेंटली आपको देख रही हूँ, मैंने आपको 3-4 साल से फॉलो करना शुरू किया, और जब मैंने आपको देखा आप उर्दू पोइट्री किया करते थे, और इसी वजह से जब मैंने डस्ट ऑफ सैडनेस देखी थी तो मैं बिल्कुल चौंक गई कि ये क्या हुआ. तो सर आप ये बताएं कि आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो अब हम आपसे किस चीज़ में एक्सपेक्ट करें. देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे ये भी इस वक्त सामने आ गया है, लेकिन कोई प्लान नहीं था जी. ये बात ज़रूर है कि जब मैं एक्टिवली लिख रहा था टीनेज में, अर्ली 20s में, तो उस वक्त मैं पब्लिश कराना चाहता था जी. लेकिन वो समाओ जैसे मैंने आप जिक्र किया कि पोइट्री इज समथिंग दैट मैक्सिमम टाइम शायरों को खुद ही अपना पैसा खर्चा करके उसको पब्लिश कराना होता है. लेकिन समाओ कुछ हुआ जो भी उस तरीके से फिर वो पब्लिश मैंने कराया नहीं उस टाइम पर. अभी सिंस माई मदर वॉज इंसिस्टिंग एंड even I thought that I should do it. Or phir Kavishala, I think they were extremely wonderful in just enthusiastically participating. So it just happened. जहाँ तक उर्दू की बात है तो मैंने विशाल भारद्वाज साहब का मैंने एक सेशन किया था जश्न रेख्ता के लिए. जी सर मेरे को वो अच्छी था, और वो पहला सेशन था जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, चाहे वो दूर से मिली हूँ लेकिन वो पहली बार था जब मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि उसके बाद मैंने आपको सर्च करना शुरू किया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको पकड़ ही लिया. देखिए तो उसमें बेसिकली मैं करता क्या था कि जैसे मैंने पहले भी उससे पहले भी मैंने और भी जो भी सेशंस मैंने करे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले जो जो भी
राइटर्स हैं उनसे मैं एक बार इंटरव्यू से एक्चुअल सेशन से पहले भी मैं उनसे मिलता हूँ. जी प्रसून जोशी साहब का मैंने किया था, उनसे भी मैं पहले दो बार मिला था उससे पहले. और जी. बाकी जावेद अख्तर साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, इम्तियाज अली और तिग्मांशु धूलिया का एक और मैंने सेशन किया था. उर्दू अदब के ऊपर किया था आपने, कितनी जरूरी है. जब विशाल भारद्वाज साहब के सेशन के लिए मैंने जब मैं उनसे मिला बॉम्बे में सेशन से पहले, सेशन दिल्ली में था, तो मैं गया तैयारी के बाद में कि ये मेरा प्लान है, मैंने ये सब पूरा आपका रिसर्च करा है प्रॉपर, और इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर में करने की सोच रहा हूँ कि हम शुरू में हम इससे शुरुआत करेंगे और ऐसे करेंगे. जी. तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपकी उर्दू तो इतनी अच्छी है, आप उर्दू में क्यों नहीं लिखते. सो दैट वॉज अ ट्रिगर पॉइंट इन अ वे. जी. तो अब मैंने उस सेशन के लिए मैंने तैयारी मैंने काफी डिटेल में करी थी, बिकॉज अब जो भी उनके इन्फ्लुएंसेस थे, चाहे बशीर बद्र साहब हो, मैंने स्टार्ट किया था बशीर बद्र साहब शेयर के साथ, जी, और फैज का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जो भी रहा है, जिस तरीके से गुलजार साहब का भी बहुत ज्यादा रहा है उनके ऊपर, गुलजार साहब का, उन्हीं वजह से तो वो लिखना शुरू किया था, शायद विशाल भारद्वाज साहब की वजह से आपने लिखना शुरू किया है. उनके कहने की वजह से. जी. उनके कहने की वजह से जो उन्होंने, और मैंने उनको बताया उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने उनको मैंने कविताएं भेजी भी थी, उनको पसंद भी आई थी. तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि जब वो एक तो जब तैयारी करी तो उसमें काफी दिलचस्पी आई, और फिर आफ्टर दैट फिर मैंने लिखना मैंने शुरू किया. जी. और दूसरी चीज ये है कि अब बॉम्बे में हम लोग की हेक्टिक लाइफ होती है. जी. तो यहाँ पर करीबन डेली बेसिस पे आपको 3-4 घंटा तो आपके सिर्फ ट्रैवलिंग में आपके चले जाते हैं. तो बहुत से आपके जो पैशन होता है उसको आप परस्यू करने के लिए शायद उतना वक्त शायद नहीं होता. तो लॉकडाउन से मुझे बहुत हेल्प हुआ है, मतलब मेरे लिए तो लॉकडाउन का जो पीरियड पूरा रहा है दैट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव फेजेस ऑफ माई लाइफ. जी. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया भर में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं, ऑब्वियसली हम लोगों ने भी फेस किया, लेकिन वक्त मिला बहुत सी चीज़ें परस्यू करने के लिए. तो उसमें सेशंस मैंने जो भी उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड जो सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल थे तो उसमें मैंने वो सुनना शुरू किए. जी. पॉडकास्ट की तरह. जी. बिकॉज क्या है कि वो देखने से ज्यादा आप सुनने वाली चीजें थी वो. तो वो मैंने शुरू किया. और जैसे मुझे घर में टहलने का मुझे काफी शौक है, तो मैं वॉक करता हूँ, तो मेरे कान में ईयरपॉड्स रहते हैं और एक घंटा मैं सिर्फ सुन रहा हूँ. तो इस तरीके से मैंने बहुत से मैंने सेशन, पहले तो मैंने सारे जितने भी बड़े बड़े शायर थे उनके मुशायरे सुने जो भी अवेलेबल थे यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद फिर मैंने उनके जो सेशंस थे क्रिटिकल जो क्रिटिक्स हैं बड़े बड़े, शब्दुर रहमान फारूकी साहब, गुरभजन नारायण साहब, शमी महंती साहब, उनके जो क्रिटिकल एनालिसिस है बड़े बड़े शायरों के बारे में और अदीबों के बारे में, वो मैंने सुनना शुरू किया. फिर अब हुआ क्या, ये भी एक ऑर्गेनिकली चीज़ हुई, उसमें समझ में ये आया कि बहुत बार हम लोगों को क्या लगता है कि हमने कोई किसी चीज़ को एक बार देख लिया या सुन लिया तो हमें वो सब समझ में आ गया. जी. और वो ऐसा होता नहीं. जी. ऐसा वो होता नहीं है कि अगर आपको इफ़ यू वांट मोर फ्रॉम इट तो देन यू नीड टू हियर इट मोर, बिकॉज तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि शायरी क्या है, अच्छी शायरी क्या है, मायने क्या है, मीनिंग क्या है. जी. तो वो फिर मैंने फारूकी साहब के, नारायण साहब के जो सेशंस थे उसको मैंने 15-20 बार मैंने सुना. जी. मतलब आप समझ लीजिए एक एक घंटे के सेशंस को. और उसके बाद फिर जितने भी हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब एक बहुत कमाल के एक शायर हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज अवेलेबल थे मैंने सब मैंने सुने. सर आपने उनकी एक गजल भी गाई है. जी 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 जी. तो अभी मैं आऊंगी उसके ऊपर भी. जी. अहमद अदीम खासमी साहब एक शायर हैं. तो एक टाइम ये था मेरा कि मैं रोजाना सोने से पहले उनके आखिर के जो 10 मिनट एक इंटरव्यू के थे रेडियो के. जी. मैं उसको सुन के मैं सोता था, बिकॉज उन्होंने बहुत कमाल की उन्होंने बात कही थी कि दैट नो मैटर व्हाट, मतलब बहुत बहुत मुश्किलात हैं जिंदगी में लेकिन ये है कि पॉजिटिव रहना चाहिए. जी. तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था उसको तो वो मुझे बड़ा इम्पैक्ट करता था. मैं उसको पता नहीं कितनी ही रातों को मैंने उसको सुनकर मैं सोया हूँ. एंड इट हैज फिल्ड मी विद अ सेंस ऑफ एक, तो इस तरीके के बहुत से एग्जांपल्स हैं. बहुत ही फिर डिटेल मैंने जितना हो सकता है स्टडी करने की कोशिश करी, जो मीर के ऊपर हो, चाहे वो इकबाल के ऊपर हो, आजकल नारंग साहब की किताब है गालिब के ऊपर, तो कमाल का एक्सपीरियंस है उसको किताब को पढ़ना. मतलब वो एक एक मैंने उनसे बताया भी कि एक एक पेज जो है वो ऐसा लगता है कि वो किसी खजाने के तरीके से. जब मैंने उनको बताया तो बोले कि ग्रेटफुलनेस से मेरी आँखों में आंसू आ गए.
मैंने कहा कि नारंग साहब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो दिस इज इंटायरली माई ऑनर. तो इट इज़ एक्सट्रीमली एब्सोल्युटली वंडरफुल. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद नहीं पता हो या हो सकता है पता हो कि गालिब के जो उस्ताद थे उनका नाम था बेदिल जी, वो भी कमाल के शायर थे और किस तरीके से उन्होंने उनको इम्पैक्ट किया. तो उसमें गालिब को पूरा स्टडी करने के लिए उन्होंने पूरा बैकग्राउंड लिया है. उनकी एक और किताब थी जिसके लिए मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड गजल. तो गजल का पूरा जो सफर है अमीर खुसरो से और सारा जिस तरीके से मॉडर्न जमाने के, तो सारे सारे जितने भी बड़े बड़े शायर हैं सबका उसके अंदर उन्होंने उसमें जिक्र किया है. उसके अलावा जो भी क्रिटिकल एनालिसिस है, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो इंग्लिश पर्सपेक्टिव से हो, कि उस टाइम पर वहाँ पर क्या क्या दौर था, वहाँ पर क्या क्रिटिकल थ्योरीज थी और उसको किस तरीके से कोरिलेशन किस तरीके से बैठाया है. तो दैट वाज फैसिनेटिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग. उस किताब को करीबन उसके 400-500 पेज की किताब है, मैंने उसको 2 बार मैंने पढ़ा. फिर मैंने उनसे इंटरव्यू किया करीबन 1.5-2 घंटे का, मैंने उनसे इंटरव्यू किया जिसमें मैंने सवाल मैंने सिर्फ 4-5 उनसे पूछे थे लेकिन उनको सुना जी. तो ये भी जरूरी होता है कि काबिल लोगों की बातों को सुनना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि बिकॉज हमें मौका मिलेगा, लेकिन ये कि हमें इस वक्त मौका मिल रहा है उनको सुनने का, तो वो एक हमारे लिए बहुत एहसास की बात है, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है. तो ये इस तरीके से वो सफर मेरा स्टार्ट हुआ फिर से लॉकडाउन में. तो इतना मैंने जो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की कोशिश करी, उर्दू का ये समझने की कोशिश करी, फिर उसमें भी जो मैंने लिखना शुरू किया तो वो उसके अंदर बिल्कुल ही अलग एक वजन आया. I could feel it, and people who had been following even my Urdu poetry, so even they could feel it, that there is something, you know, suddenly there is a jump in what you're trying to say. So that has been a fascinating experience. अब ये मुझे लगता है सोनू जी से भी मैंने जिक्र किया कि अभी next जो मेरा जी जो भी किताब आएगी वो शायद हिंदुस्तानी में आएगी. अब वो कब आएगी? I don't know. सर वो इंशाल्लाह जल्दी आएगी. नहीं जरूरी नहीं है जल्दी आए. क्या है कि जब आए अच्छे से आए जी. हाँ, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको जैसे ये आपको पसंद आ रहा है, आपको सारी इसमें नज़में आपको कविताएं आपको पसंद आई है, तो उसमें ये है कि मैंने उसमें रिजेक्ट मैंने बहुत करी है. अगर आपने 53 पोएम्स इसमें है तो कम से कम 150 नज़में तो मैंने उसमें रिजेक्ट करी. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आई वाज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन एंड एक सर्टेन लेवल की है उसी को इंक्लूड किया जाए. सर और इसी बात को ना मुझे आपके एक बहुत ही, जब आपका विशाल भारद्वाज साहब का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने ये सेम बात बोली थी कि जब वो पहली किताब लिख रहे थे तो उन्होंने इतनी सारी रिजेक्ट की थी और वो इंटरव्यू स्पेशली आपके साथ था, तो वो समवेयर आई कैन इजीली कनेक्ट कि आप क्या कह रहे हैं. सो सर बेसिकली लगता है कि आप जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो अपना हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लेके आने वाले हैं शायद. I think this is something that I'm enjoying. और ये अभी क्या है कि एक ऐसा स्पेस है कि अभी भी लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कुछ कुछ अलग करने की, कुछ हटके लिखना है जो कभी किसी ने नहीं बोला है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. देखिए क्या इतना भी प्रेशर अपने पर नहीं डालना चाहिए. हाँ एक वो कॉन्शियस आपको मतलब आपके माइंड स्पेस में रहना चाहिए कि हाँ कुछ आपको अगर सुना सुना लगे कि हाँ ये कहीं सुना हुआ है तो उसको कोशिश करें कि उसको ना उसको शामिल करें अपने उसमें. सर एब्सोल्युटली. तो सर आपने आज ही अपने सोशल मीडिया पे बताया कि आपकी जो किताब है वो अवेलेबल है अमेज़न पे, तो अगर हमारे हम यूएसए में आपकी किताब खरीदना चाहें और पढ़ना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और कैसे करें? मेरी कली मेरी बात हुई अंकुर मिश्रा जी जो कविशाला चलाते हैं, कली मेरी उनसे बात हुई तो वो लगे हुए हैं वो लोग किंडल को अवेलेबल कराने के लिए जी. तो आई थिंक मेरे ख्याल से किंडल पे अवेलेबल होगी मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में, डेफिनेटली वो आ जाएगी जी. और काफी काफी मेरे फ्रेंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूएस में जो कि फिजिकल फॉर्म में किताब को चाहते हैं. सीरियसली, वी आर ट्राइंग टू अरेंज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज जैसे मैंने आप जिक्र किया कि पोएट्री का उतना एक मार्केट उस तरीके से नहीं होता है, तो उनको सेलेक्टेड लोगों के लिए अरेंज करवाना पड़ेगा. बट दे आर ट्राइंग, दे आर डेफिनेटली ट्राइंग देयर बेस्ट टू अरेंज फॉर इट, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से जल्दी कुछ ना कुछ फिजिकल फॉर्म में भी किताब अवेलेबल होगी नॉर्थ अमेरिका में.
इंशाल्लाह सर। तो सर अभी बातों बातों में मुझे आपकी एक बात की झलक समझ में आई, और ये सवाल मैं आपसे करने वाली थी लेकिन मुझे इसका जवाब आपके उन बातों में मिल गया कि आपने क्लासिकली सिंगिंग आपने उसको तालीम हासिल की है। और रिसेंटली जब मैंने आपको गाते हुए सुना, मैंने कहा इतनी वर्सिटाइल पर्सनैलिटी है कि जर्नलिस्ट जिसका कोई जवाब नहीं, ऑथर, और खाने पीने का बहुत अच्छा शौक, ट्रैवल का बहुत अच्छा शौक, एक ट्रू फैमिली मैन। और जब मैंने रिसेंटली आपको गाते हुए सुना, मैंने कहा कि अब और क्या आने वाला है। और आपने, और मैं ये सवाल आपसे करने वाली थी कि आपने गाना भी गाते हैं आप, तो आपने कहीं पर उसकी तालीम हासिल की है, तो आपने बता ही दिया कि आप जब 12th में थे तो आप क्लासिकल सिंगिंग सीखने जाया करते थे। तो नहीं, सर मैंने तीन ती, तीन साल मैंने बहुत ही एक्टिवली मैंने क्लासिकल म्यूजिक मैंने सीखा है, जिसमें आप जिक्र किया कि एक रूटीन मैंने फॉलो करने की कोशिश करी थी ग्रेजुएशन में स्पेशली। एंड जी आई थिंक जो वो 3 साल थे वो बहुत ही कमाल के साल मेरे रहे, बिकॉज मैंने बहुत बहुत इंजॉय किया उस पूरे फेज को। तो उसमें ये था कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मुझे जाना था उस्ताद के साथ बैठने के लिए, तो वो मैं करता था चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो खैर वो उस्ताद खमर थे, आगरा त्रौली कराने के हमारे उस्ताद थे एमयू में, जनरल एजुकेशन सेंटर में। तो वो उन्होंने भी बेचारों ने जब मेरा पैशन देखा तो वो भी बहुत दिल से, उन्होंने भी बहुत सिखाया। और मैंने 2 बार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक में, यूथ फेस्टिवल्स में, अमृतसर में और लुधियाना में। तो पूरा सब 10 मिनट का तैयारी होती थी और सब तबले अबले के साथ में, तो वो सब मैंने किया है। जीता नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि हाँ जो म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक की जो जो तालीम थी उससे डेफिनेटली हेल्प हुआ, जी उससे डेफिनेटली। अब जैसे मुझे गाने का मुझे शौक है, इट्स लाइक अ हॉबी फॉर मी है। जैसे मैंने आप जिक्र किया, मैंने बीच में एडवर्टाइजिंग मैंने करी, तो मैंने जिंगल्स मैंने काफ़ी करे हुए हैं, वीडियोज जी मैंने काफ़ी काफ़ी जिंगल्स मैंने गाए हैं। तो वो एक तरीके एक पैशन है तो सर उसको। मैंने आपकी जो पहली सिंगिंग सुनी थी, तो आपकी सुनी थी, तो उससे भी बिछड़ के जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। एंड आई वाज हाँ, अमेज्ड कि बेकार आंसर, ये अब नया सर बेकार का क्या आंसर। क्या पर्सनालिटी। तो सर आप एक बात बताएं, आपको कोई फेवरेट सॉन्ग है, ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं, आपकी जिंदगी का कोई एक सॉन्ग जो आपके साथ चलता है, हमेशा देखिए सुन सकते हैं। गाने बहुत से होते हैं। अब जैसे जुर्म एक फिल्म है, उसका एक गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो वो मतलब बहुत से जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है वो, कि वो गाना तो मतलब दे एसोसिएट दैट विद मी। उसके बाद फिर के का एक गाना है पल करके, कल रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, तो के का एक और गाना है यारों यारों दोस्ती बहुत हंसी। जी वो इस तरीके के कुछ गाने हैं जो कि मुझे मतलब बहुत पसंद हैं। तो वैसे गाने तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि अगर आप सेलेक्टेड अगर आप पूछें तो यही कुछ 2-3 गाने हैं। तो सर फिर आज आप हमारे सुनने वाले और देखने वालों को कुछ अपने प्यारी सी आवाज में कोई गाना सुनाएंगे, दरखास्त है। मैं और ये एक एक मैं चाहती हूँ कि आपको एक ये जो मैंने सबने आपको एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट देखा है, आपको एज ऑथर भी देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले आपकी ये आवाज़ भी सुने। ओके, देखिए मैं आपको, आपने जैसे आपने उर्दू शायरी का आपने जिक्र किया और ये सब चीज़ें आपने जिक्र करी, तो मैंने भी कुछ दिनों पहले एक कुछ मैंने लिखा था। तो जी एक यंग म्यूजिक कंपोजर है, उनका नाम है अशर अनीस खान। तो जी उन्होंने उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने कंपोज किया उसको और उन्होंने मुझे भेजा कि जी सर उसको कुछ करते हैं, कुछ आप आगे डेवलप करिए। तो जी फिर मैंने आगे उसमें लिखा और हम लोगों ने फिर रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया हम लोगों ने। जी अभी उसका म्यूजिक वीडियो पे काम हो रहा है फिलहाल, तो अभी फिलहाल ये कहीं पर आया नहीं है। जी लेकिन आपको मैं सुनाता हूँ उसको, 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जी उसकी। सर वो लिखा मैंने है और कंपोज अशर ने किया है, मैंने उसको गाया है। तो जी वो इस तरीके से, खामोशी बोलती है गवाह है वक्त, खामोशी बोलती है गवाह है वो, बातों का क्या है, ये तो सस्ता नशा है,
खामोशी बोलती है, गवाह है वक्त। बहुत बहुत खूबसूरत। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए इस सेगमेंट के लिए वक्त निकाला, और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी आपके इतनी खूबसूरत किताब डस्ट ऑफ सैडनेस के लिए। और इंशाल्लाह कोशिश है, और ये मेरा प्रे रहेगा कि ये किताब यूएसए में किंडल में भी अवेलेबल हो जाए। मैं तो नहीं, डेफिनेटली मैं दिखा देता हूँ जी जिन्होंने अब तक शायद नहीं देखा हो, तो ये किताब है जी एंड एज एंड व्हेन व्हेनेवर इट इज अवेलेबल ऑन किंडल प्लीज डू जस्ट ट्राई एंड रीड इट। और सर अगर मैं मुंबई आई तो मैं डेफिनेटली फिजिकल कॉपी आपसे लूंगी जी आकर के। जी बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली अगर मेरा मेरा अगर आना यूएस अगर मेरा आना हुआ जी डेफिनेटली मैं आपके लिए एक कॉपी में लेके आऊंगा जी। और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट जिस तरीके के आपने सवाल आपने पूछे हैं, बहुत कमाल के आपने सवाल पूछे हैं, और जिस तरीके से उर्दू पे आपका हाथ साफ है आई थिंक वो बहुत ही कमेंडेबल है। अमेरिका में रह के इस तरीके का एक पैशन होना आई थिंक ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद एंड आई एम श्योर कि आप आपकी जो पॉपुलैरिटी है आपकी मकबूलियत वो इसी तरीके से बढ़ती रहेगी बिकॉज जो आपका पैशन है अपने काम को लेके वो गैर मामूली है। मतलब मैंने इतना इतना पैशनेट किसी को इंटरव्यू के लिए बहुत ही रेयरली देखा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। सर मैं आई एम सो ओवर मैन, कहते ना कि आंसू निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन वेयर वेव्स ऑफ फनेशिया रेडियो। और इमोशनल हो गए सर। तो सर आपका जो दिन है वो बहुत ही खूबसूरत निकले, हैव अ वंडरफुल डे सर, और इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपसे मुलाकात होगी फनेशिया रेडियो पे। और आप